हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटे से साबूदाने। दोस्तों साबूदाना किसको खाना पसंद नहीं होता है। हम व्रत में तो हमेशा साबूदाने बनाते हैं, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं बिना व्रत के साबूदाने, एकदम चटपटे थोड़े से स्पाइसी। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो बनाना स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने 2 घंटे के लिए साबूदाने का अच्छे से भिगो के रख दिया था। तो ये करीब 250 ग्राम साबूदाने हैं। तो आपको जो भी साबूदाने पसंद हो, बड़े या छोटे, आप इस तरह से इसे भिगो के रख दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने साबूदाने को 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से भिगो के रख दिए थे, और यहाँ पर हमारे साबूदाने भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं केस की तरफ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच तेल के। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने तेल को डाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, तेल को पहले हम गर्म कर लेंगे। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी मूंगफली। तो यहाँ पे मूंगफली को हम थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे, जब तक ये हल्की सी गोल्डन नहीं हो जाती, तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे और इसे अच्छे से घुमाते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे है ना, मैंने बिना व्रत के साबूदाने बनाए। जब भी आपको कोई चटपटा सा और साबूदाने का खाने का मन हो, तभी आप ये चटपटे से साबूदाने बना के खा के एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मूंगफली भी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। तो यहाँ पर मैंने तेल थोड़ा सा निकाल लिया था। उसके बाद यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 2 आलू को चौकोर में कट कर लिया था, तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने सारे आलू को इसमें डाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आलू को एक बार अच्छे से चला लेना है। तो ये देखिए, अब हम इसे चला लेंगे। तो अब हम इसे आलू को तब तक पकाने जब तक आलू हल्के से गोल्डन नहीं हो जाते और थोड़े से गल नहीं जाते, तब तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे आलू गोल्डन हो चुके हैं। तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे आलू गल भी चुके हैं या नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे आलू भी अब गल चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे आलू अच्छे से बनके अब तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च, और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को कर लेंगे लो। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से कड़ी पत्ते और थोड़े से सूखे मसाले। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, और स्वाद अनुसार हम इसमें डाल देंगे नमक। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको कर लेना है अच्छे से मिक्स, ताकि ये जो हमने सूखे मसाले डाले उस सबका कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पे हमें इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स, और गैस की फ्लेम को अब भी हमें यहाँ पे लो ही रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो ये देखिए, यहाँ पे सारे मसाले अच्छे से हो गए मिक्स। तो अब हम इसमें डाल देंगे साबूदाने। दोस्तों अगर आपने एक बार ये साबूदाने बना के खा लिया ना, सच के तो इतने पसंद है कि ये थोड़े से स्पाइसी, थोड़े से खट्टे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने साबूदाने को डाल लिया है। तो अब हम इस सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पे हमें कैसे मिक्स करना है, इसे हल्के हल्के हाथों से हमें सबको अच्छे से करेंगे मिक्स। तो ये देखिए, बस आपको भी इसी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे मूंगफली, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टमाटर, और साथ में हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे 2 नींबू का रस। तो यहाँ पे मैंने 2 नींबू का रस निकाल के इसे छान के फिर हमने इसमें डाला है, ताकि बाद में खाने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये देखिए, इस सबको डालने के बाद अब हम इसे फिर से कर लेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि नींबू का रस है वो सारे साबूदाने में अच्छे से लग जाए। तो ये देखिए, बस आपको भी इसी तरह से इसे अच्छे से चला लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे साबूदाने अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे, और इसे हम करीब 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने साबूदाने को कर लिया अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म साबूदाने बनके तैयार हो चुके हैं, चटपटे से थोड़े से स्पाइसी। तो चलिए अब हम इसे सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इतने चटपटे सुपर टेस्टी ये साबूदाने बनके तैयार हो चुके हैं। और दोस्तों हमारे घर में तो हर हफ्ते ये 2 से 3 बार साबूदाने बनते ही बनते हैं। हमारे घर में ये साबूदाने तो सबको बहुत पसंद भी आते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे साबूदाने बनके अब तैयार हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है ये भी हमें बताइएगा। अगर आपको भी कोई रेसिपी मेरे साथ शेयर करनी है, तब जरूर मुझे शेयर कीजिएगा, तो आपकी भी रेसिपी मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे साबूदाने बनके तैयार है खाने के लिए। तो दोस्तों आप भी मेरी तरह से ये साबूदाने बनाएं, खाएँ, एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको राधे राधे।